ट्वेल्थ फेल आईपीएस ऑफिसर की कहानी तो सबने सुनी होगी, लेकिन एमपी की 11th फेल बेटी ने एमपीपीएससी टॉप 10 में जगह बनाकर सबको चौंका दिया। किसान परिवार की प्रियल यादव ने एक बार नहीं बल्कि तीन तीन बार एमपीपीएससी एग्जाम क्रैक किया और आखिर डिप्टी कलेक्टर बन गई। देखिए ये खास रिपोर्ट। एमपी की 11th फेल बेटी बनी डिप्टी कलेक्टर। 12th फेल आईपीएस मनोज की कहानी तो सबने सुनी होगी, अब देखिए 11th फेल प्रियल की सक्सेस स्टोरी। किसान की बेटी प्रियल यादव ने एक बार नहीं तीन तीन बार एमपीपीएससी क्रैक किया। पहले डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार बनी, फिर असिस्टेंट कमिश्नर, आखिर डिप्टी कलेक्टर बन के ही दम लिया। एमपीपीएससी टॉप 10 में जगह बनाने वाली प्रियल यादव की कहानी गजब की है। किसान परिवार की बेटी जिसने सबको चौंका दिया है। एक किसान की बेटी लगातार तीन बार राज्य सिविल सेवा परीक्षा में क्रैक किया और इस बार डिप्टी कलेक्टर बन गई हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एमपीपीएससी 2021 बैच का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया। टॉप 10 की लिस्ट में 7 बेटियां हैं जिन्होंने शानदार अंक लाकर सूची में जगह बनाई है। इन सभी टॉपर्स के बीच प्रियल यादव की कहानी ने सबको चौंका दिया है। एक किसान की बेटी लगातार तीन बार राज्य सिविल सेवा परीक्षा क्रैक किया और इस बार डिप्टी कलेक्टर बन गई हैं। प्रियल यादव के फाइनल एग्जाम में 1500 में से 910.25 अंक थे, जिसकी वजह से उन्होंने टॉप 10 में जगह बनाई। मध्य प्रदेश की प्रियल यादव ने लगातार तीसरी बार राज्य सिविल सेवा परीक्षा में बड़ी सफलता हासिल की है। बता दें कि यह वही प्रियल है जो 11वीं में एक बार फेल हो गई थी। प्रियल 10वीं तक अपनी कक्षा में टॉप करती थी, मगर पारिवारिक दबाव में 11वीं में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और मैथ्स सब्जेक्ट चुन लिया। प्रियल को इन विषयों में कोई रुचि नहीं थी, जिसकी वजह से वह 11वीं में भौतिक विज्ञान में फेल हो गई। 11वीं में फेल होने की इस घटना ने प्रियल को झकझोर कर रख दिया। इसके बाद प्रियल यादव ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने 2019 में राज्य सेवा परीक्षा दिया, जिसमें 19वीं रैंक हासिल की और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार बनी। वह इतने पर खुश नहीं थी, पर फिर से तैयारी शुरू कर दी। अगले ही साल राज्य सिविल सेवा परीक्षा 2020 में 34वीं रैंक लेकर आई। इस बार उन्होंने सहकारिता विभाग में असिस्टेंट कमिश्नर के पद के लिए चुना गया। प्रियल यही नहीं रुकी, उन्होंने फिर से 2021 में परीक्षा दिया और नतीजे सबके सामने हैं। आखिर में प्रियल ने डिप्टी कलेक्टर बनकर ही चैन की सांस ली और अपना सपना पूरा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।